हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। तो आज हम पढ़ेंगे अपने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में पिछली बार पूछे जा चुके हैं। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर फोर, चैप्टर नंबर फोर आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, चैप्टर नंबर फाइव भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो आपको मैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आप इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, आपकी चाह नहीं अंदर से कोई चीज सीखने की, तो आप चाह के भी कोई चीज नहीं सीख सकते हो। ठीक है, कुछ चीज आप चाह के भी नहीं सीख सकते। एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, अगर आपने कोई चीज ठान दी कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, बट अगर आप क्लास में बैठे हो या कहीं आपको कोई चीज सिखा रहा है, नॉट इन क्लास ग्राउंड, कहीं पे भी आपको कभी कोई घर में कोई चीज सिखा रहा है, आपका मन ही वहां नहीं है, तो आप चाह के भी नहीं सीख पाओगे। आपने मन ही नहीं बना रखा, आपका ध्यान कहीं और चल रहा है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कॉन्सेंट्रेट करो, एक जगह एकत्रित करो अपनी बुद्धि को। बट अगर आपने चीजें ठानी हुई है कि नहीं मुझे यार 10th में इतना स्कोर करना है, मुझे करना ही करना है, ये चैप्टर इस हफ्ते मुझे कंप्लीट करना ही करना है, आप ऐसी डिटर्मिनेशन के साथ अपने आगे बढ़ोगे, तो आपको देखना आपको खुद अपने अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा और आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा। रोक भी नहीं पाएगा मतलब यह है कि आपको कोई बहाने नहीं मिलेंगे पढ़ाई से छूटने के लिए। ऐसे नहीं कि मेरे घर में गेस्ट हैं तो यार मैं नहीं पढ़ता, छोड़ो मैं गेस्ट आया तो आपको एक बहाना मिल गया कि चलो ठीक है पढ़ाई से छुटकारा मिला। बट अगर आपने डिटर्मिनेशन होगी ना आपके अंदर, तो आप खुद से गेस्ट आए उनसे मिलोगे, थोड़ा बैठोगे, उसके बाद अपने आप पढ़ने जाओगे। करके देखना, आपके अंदर काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, करते हैं अपनी क्लास को शुरू। ये अगर क्या है, यदि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 6x2 - x - k = 0, जो इक्वेशन इसका 2/3 एक रूट है, एक सॉल्यूशन है, एक हल है, तो बताओ k का मान क्या है। k का मान बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा जाता है एक नंबर में, एक क्वेश्चन दो नंबर में आ जाता है, तो एक नंबर की अहमियत भी बच्चों बहुत होती है। जरा करके देखो इस क्वेश्चन को पहले एक बार। चलिए किसी का आंसर आया तो बताना। भाई देखो, अगर कोई भी इक्वेशन किसी का, कोई भी नंबर किसी का हल होता है, तो वो एक सॉल्यूशन होता है, तो वो क्या करता है, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है x - 2 = 0, तो अगर इफ x की जगह में 1 रखता हूं तो मेरा आएगा 1 - 2, जो क्या आ जाएगा -1। x की जगह मैं 2 रखता हूं तो 2 - 2 क्या जाएगा 0। तो आप देखो 2 - 2 0 आया, यानी कि इस पे x की जगह मैंने 2 रखा तो 2 - 2 क्या आया, जो इनका ऑलरेडी जो यहाँ है 0, सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इसका हल होगा, है ना। तो हल क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका इक्वल कर देता है। तो अगर जो इसका हल होगा, फॉर एग्जाम्पल फिर से देखो x - 2 = 0 है, तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे 2 रख दूं तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि सर जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो बायां पक्ष है, वो आपके दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन वही होता है जो आपका
जो आपकी वैल्यू को, जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। साथ में आप देख लो, अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 2 ही आएगी, माइनस 2 ले जाओगे तो क्या जाएगा, प्लस का 2। क्लास 9 में चीजें आपने पढ़ी हुई है। तो बस अब यहाँ पे आप x का क्या रखो, x का आपको बस 2/3 रखना है एंड यू विल गेट योर आंसर, क्योंकि 2/3 आपका क्या हल है, एक सॉल्यूशन है। तो बिकॉज 2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो देयरफॉर 6x की जगह 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस के, आप माइनस के बाद ब्रैकेट में रखेंगे नंबर, है ना। 6, 2 का स्क्वायर होता है 4 अपॉन 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर माइनस 2 अपॉन 3, हर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जो चीज कटके काट दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो नंबर बन गया 8 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस के इक्वल्स टू 0। तो हमारा बेस सेम है, 3 कैल्शियम 3 और 8 माइनस 2, और माइनस के को मिलेगा अगर प्लस के, क्यों, क्योंकि मुझे के की वैल्यू चाहिए, है ना, मुझे के की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से जो हम देखेंगे तो 8 माइनस 2 6/3 इक्वल्स टू के, कट गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई। चलिए अब जो क्वेश्चन आपका आता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, काफी बोला जाता है क्वेश्चन भी, है ना, बाय फैक्टराइजेशन मेथड आपको निकालना होता है। सिंपल, फाइंड रूट्स, आपके पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड रूट्स, ठीक है, यानी कि आपको हल ज्ञात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास जैसे है, अगर मैं आपके पास एक लूं, 3√2x² -5x -√2 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है ना, x स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, तो x की कितनी वैल्यू होगी हमारे पास, x की 2 वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जरा फटाफट करो, अगर आता है तो आई विल गिव यू 30 seconds और 1 minute, अगर किसी का आंसर है तो हैंड रेस करके अपना आंसर दो। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को पता होगा आप लोगों को, हम इन दो की मल्टीप्लाई करते हैं ना आगे कुछ ऐसे, तो ऐसी मल्टी, घबराना नहीं, रूट देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, रूट देख के बिल्कुल नहीं घबराना, आंसर खुद मिल जाएगा। 3 × 2 यानी कि 6, 6 के ऐसे फैक्टर बनाने की मुझे क्या मिल जाए, -5 मिल जाए, 6 के ऐसे फैक्टर बनाने की -5 मिल जाए, तो बन जाएगा सर कि आप 6 माइनस 1 करो तो 5 आता है। अरे नहीं, हमें तो माइनस का 5 चाहिए, अच्छा माइनस का 5 चाहिए तो -6 और प्लस 1 कर दो, तो -5 और आ गया आंसर मारा। और आपको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए था, यहाँ -2 था तो मल्टीप्लाई करके -6 चाहिए था, इनको मल्टीप्लाई करोगे -6 × -, बस दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने मिडल टर्म को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया दो भागों में, तो 3√2x² -5x को मैं लिख सकता हूँ, माइनस का 6x प्लस एक्स -√2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन आपको दिख रहा है, सबसे पहले तो सर 3 दोनों के टेबल में आ रहा है, ठीक है, 3 × 2 = 6। अब इस 6 को देखो कॉमन कैसे निकालना, इसको 3 × 2 आप लिख सकते हो ना, 3 × 2 = 6, और 2 को अगेन आप 3√2 × √2 भी लिख सकते हो, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैं ऐसा मन में इसलिए सोचता हूँ क्योंकि यहाँ रूट टू है, एक कॉमन ले सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 3√2x कॉमन आएगा, यहाँ से 3√2x कॉमन है, अंदर बचा केवल x, माइनस 3 × 2 = 6 का 3 तो बाहर आ चुका है, √2 का एक √2 बाहर आ चुका है, अंदर बचेगा 1 का √2, प्लस जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे हमारा 1 कॉमन होता है, अंदर बचेगा x -√2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे हमारे दो फैक्टर्स बन गए, 3√2x + 1 और x -√2 इक्वल्स टू 0, दोनों ही 0 के इक्वल है। तो एक बार आप 3√2x + 1 को 0 के बराबर रखो, एक बार x -√2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां से आप देखेंगे कि 3√2x इक्वल्स टू -1, यहाँ देखो उसका तो x बराबर हो जाएगा आपका -1/√2, एक वैल्यू ये हो गई, और x बराबर आपका हो गया √2, एक वैल्यू ये हो गई। बट अगेन इस वैल्यू को आप रूट में हम कभी भी कोई आंसर नहीं छोड़ते, तो जो आपका x बराबर 1/√2 आएगा बच्चों,
इसको आप क्या कर दोगे, इसको आप रेशनलाइज कर दोगे, तो इसको रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे, तो इधर भी 3√2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3√2 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा माइनस का 3√2 अपॉन 3 3 जा 9 और 2 2 जा, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया 9 और 2 के उसमें, है ना, 9 2 18, तो आ गया माइनस 3√2 अपॉन 18, जो कट रहा है उसको काट दो, वैसे कट तो यही रहा था, यही काट देते 3 3 जा 9, है ना, तो ये हमारा क्या बचा, ये बच गया हमारा माइनस रूट टू अपॉन 6, तो एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो फैक्टर्स x के निकालने, रैशनलाइज करके पूरा दिखाना है, ऐसे आधा दिखाओगे तो फिर नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, कॉपी करो इसको। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ट्राई करो। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 upon 3x minus 2 = 0, चलो जरा इसको भी करके बताओ फटाफट। चलिए चलिए, आया किसी का आंसर इसमें, देखो अपॉन वाले में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, पहले आप इसको एलसीएम ले लोगे, ठीक है, तो 3 का एलसीएम पूरे के साथ आप ले लोगे तो ये बन जाएगा 6x square, ये प्लस 5x ऐसी है, और ये बन जाएगा 2 3 6 = 0, 3 उधर जाएगा आपका 0 हो जाएगा, नाउ इट्स 6x square plus 5x minus 6 = 0, बस अब तो आपके पास, अब आप सिंपली इसको फैक्टर कर सकते हैं, है ना, कोई ज्यादा टफ तो नहीं है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। अब 6 6 = 36, तो 36 के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मेरा 5 आ जाए, तो अब 36 के आप चाहे ऐसे फैक्टर बना दो, अगर टेबल रन है तो आप ऐसे भी कर दो, है ना, छोटा नंबर है इसको तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, इसका ऐसा करने की जरूरत तो नहीं थी खैर, बट आपको समझाना है तो हमें चाहिए 5, प्लस का 5 हमको चाहिए, और ऐसे नंबर लाने की 36 बन जाए, तो देखो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो 9 में से जब मैं 4 को माइनस करता हूँ तो 5 ही मेरे पास आता है, और जब 9 × −4 करता हूँ तो माइनस का 36 आता है, तो 6 6 = −36, हमें ये चाहिए था और ये भी चाहिए, हमारे फैक्टर मिल गए, तो बहुत इजी अब तो क्वेश्चन हो गया, 6x² + 9x - 5x - 6 = 0, तो यहाँ से आप कॉमन देखोगे 3x आपका कॉमन है, तो ये बच जाएगा 2x + 3 - यहाँ से आपका क्या कॉमन बच जाएगा, अच्छा एक मिनट, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 9x - 4x होगा ना, सॉरी, और यहाँ पे आपका -2 कॉमन है, तो आपको पता है चाहे साइन चेंज हो जाते हैं अंदर, 2x + 3 हो जाएगा ये भी 0, तो 3x - 2 और 2x + 3 = 0, तो दोनों की वैल्यू आप रखोगे, 3x - 2 = 0 रखोगे, तो x बराबर 2/3 आ जाएगा, और जब आप 2x + 3 = 0 रखोगे तो x बराबर -3/2 आ जाएगा, ठीक है, तो सिंपल था, बस इसमें स्टार्टिंग में ही थोड़ा आपको देखना था, सब को करना था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दे देता हूं, ठीक है, चलिए कुछ भी नहीं है, फटाफट ये करके बताओ, नहीं तो होमवर्क द 11th term of an AP क्या होगा, 11th term AP का 11th term बताओ, इस AP का 11th term क्या होगा, आपके पास है -5 - 5/2 0 5/2 .. और कहां तक ये जा रहा है, ये जा रहा है आपका 18 तक, चलो 11th term of AP फटाफट बताओ, तो बहुत इजीली आप इसको कर लोगे, एक नंबर में आ जाता है क्वेश्चन भी, ठीक है, तो आपको
आपको क्या, अब देखो हमें एपी निकालने के लिए 11th अगर एपी चाहिए तो मेरे को डी तो चाहिए होगा, है ना। ये हमारा A1 हो गया, हमारा A2 हो गया, तो डी हमारा क्या होता है, A2 - A1। अगर सिंपली समझे तो इन दोनों के बीच में गैप कितना चल रहा है वही तो डी होता है। तो आप देख सकते हैं डी कैसा हो, A2 - A1 आप करोगे, A2 is -5/2, फिर माइनस माइनस का 5, आप देखोगे इसको माइनस का 5/2 प्लस का 5, तो यहाँ पे आप देखो 2 LCM आ गया, -5 ऐसे ही रहेगा और ये 10 आ जाएगा, है ना। 2 1 2 5 2 8 आ जाएगा 5/2। नहीं यहां से भी निकाल सकता था क्योंकि 0 था ना, ये A2 था, ये A3 था, इसके इसको माइनस कर दो, A3 - A2 कर दो, तो सर आप क्या करते हैं 0 - माइनस का 5/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5/2 आ जाता है। यहाँ से डायरेक्ट भी आपका आ सकता था, ठीक है, बट वो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है किस बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ 0 था तो इजी हो जाता, तो डी मेरे को मिल गया। अब मेरे को, आपको पता है जनरल टर्म ऑफ एपी के A+(n-1)(d) होती है, हमें A11 निकालना है, तो A11 निकालेंगे, A is -5 + n 11th टर्म चाहिए हमें माइनस, और डी क्या है, डी तो सर हम 5/2 अभी निकाल चुके हैं, तो A11 -5 और 11 में से एक गया कितना होता है 10 × 5/2, तो 2 से कट गया, तो ये आ गया -5, 5 × 25, तो 25 में से 5 गया आपका बचा 20, तो A11 आपकी 11वीं टर्म क्या होगी बच्चों, 20 होगी। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन आपको करने होते हैं, क्लियर। तो ये थी आज हमारी क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, छोटे अभी शॉर्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये सारे आपको अभी कराए हैं, और कल आपके सर वापस आ जाएंगे, विकास सर, नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आपसे मिलेंगे अपनी कभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।